हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा चौधरी एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनीषाज़ क्राफ्ट आइडियाज़। अभी इस महीने के अंदर चिल्ड्रन डे आने वाला है, दैट इज़ ऑन 14th November। सो उसी के लिए ये आर्ट वर्क बन रहा है जिसके अंदर 3 क्यूट कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन आई एम मेकिंग, एंड फॉर द सेम रीज़न आई एम मेकिंग द स्किन कलर ऑफ द चिल्ड्रन हियर। एज यू कैन सी, आई हैव लेड आउट 3 डिफरेंट कलर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड हाउ the skin tones are made. If you notice here, there is yellow color, white and dash of orange. Orange ke saath mein ek pink color le rakha hai. And it's a beautiful pink, jisse ki thoda highlights and shines vagera, shine vagera, jaise ki cheek pe rosy cheeks banane ke liye I use it. To unhi ke colors ke saath thodi si manipulations karke light and dark colors se ye skin color banta hai. Now, see, I'm not an expert in making hair here, but I know the common funda that there needs to be 3 colors, that is one bright, one middle tone and another shadow. So you see here is, I've used orange color, brown and darkest of brown. Ye wale 3 colors se milke maine iska hair ka banaya hai. To koi khas isme trick nahi hai. बहुत सिंपल है, जस्ट इंश्योर दैट यू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे आपको सबसे लाइटेस्ट टोन डालनी है, मिडिल टोन एंड डार्केस्ट शेडो। आपको पता है जब एटलीस्ट द कॉर्नर्स, जो साइड बर्न्स हैं आपके कान के पास में बालों के, वो हमेशा शेडो में डार्क रहते हैं। अब ये 3 कैरेक्टर्स बनाने के लिए आई एम यूजिंग आइवरी कलर, आइवरी शीट। आइवरी शीट के ऊपर तीनों कैरेक्टर्स पूरे नहीं आ रहे थे, तो बॉडी को अलग शीट पे बनाया है एंड फेस को अलग बनाया है। तो ये पिंक कलर को थोड़ा सा वाइट के साथ ब्लेंड करके रोजी चीक दे दिए, लाइट ब्राउन डाला, ऑरेंज कलर का डैश कलर डाला हेयर के लिए एंड द डार्केस्ट कलर। इसी से ही थोड़े स्ट्रोकिंग इधर उधर करके आई थिंक द हेयर लुक्स डेफिनेटली रियलिस्टिक सी, हल्की सी लुक आ जाती है। आई थिंक दैट इज़ ऑल रियलिस्टिक में, मतलब इतना भी एक as it is, it's a cartoon character, so therefore we need not go into too much figurative detail as such. So ek generic sa look banane ke liye, that is all right. Now here, this is the third character. Third character ke andar sheet, kai dafa kya hota hai, jab jitna bhi color bacha hota hai, we try to make use of that because acrylic paint hai, wo bahut jaldi dry hoke, it becomes absolutely useless. तो जो भी कलर कई दफ़ा पैलेट में होता है उसी को यूज़ किया इधर उधर करके, थोड़ा बहुत फिलर्स की तरह ऐड किया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज जस्ट मेकिंग यूज ऑफ व्हाट एवर द कलर है मेन इन द पैलेट हियर। ये सेलोफेन कलर की एक शीट है मेरे पास, ट्रांसपेरेंसीज बोलते हैं उनको, उसी के ऊपर कलर्स आई हैव लेड इट आउट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कलर पैलेट्स वगैरह दे आर वेरी मेसी एंड डर्टी। So I wanted to show you how the clear and the fresh colors को use करके skin tone बनाई है। अब since ये बहुत ज़्यादा yellow और anemic लग रहा है बच्चा, तो white color का dash डाल के थोड़ा सा freshness आ जाएगा because hair already orange and browns में बने हुए हैं। वाइट कलर बहुत ज़्यादा understated है, कई दफ़ा कलर करते टाइम हम लोग इतना कलरिंग कर देते हैं कि फ्रेशनेस और लाइट वाइट जो होता है उसका सबसे कम यूज़ करते हैं, शुंडी तक केस या अगेन। अब पिंक कलर थोड़ा करप्ट हो गया था इसके अंदर आते आते, तो थोड़ा कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं निकला जितना फ्रेश कलर आना चाहिए था। बट देन अगेन, इस इनको करने के बाद ही मैंने एंड में ब्रश कलर से, ब्रश पेन से थोड़ा सा टचअप दिया था। अभी फ़िलहाल क्या रह जाता है, अब बालों के अंदर या थोड़ा फेस की कैरेक्टर की आउटलाइन थोड़ा करने से ये पूरा कैरेक्टर थोड़ा सा डिफाइंड हो जाएगा। एक बार एक गलत लाइन आ जाती है, यू केप्ट ऑन करेक्टिंग इट, तो इसका फेस में थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरा हाथ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। द लाइन्स कुड हैव बीन इवन मोर क्लीन। ऑलराइट, ये डार्क कलर से कई दफ़ा क्या होता है, ये और ये वाला कलर मैंने ऑलरेडी कभी कहीं यूज़ किया होगा, तो डार्केस्ट ब्राउन है ये,
आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक हियर. तो डार्केस्ट ब्राउन क्या है, वो एक तो वो कलर आर्टवर्क को डल नहीं करता. ब्लैक कलर भी यूज़ करेंगे तो वो भी डल नहीं करता, बट सिंस दिस इज क्लोजर टू ब्लैक, इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कम्प्लीट लाइक अ सॉलिड ब्लैक बैकग्राउंड आउटलाइन. या सो थोड़ी सी लाइन को क्लीन करते ही कैरेक्टर जो है इट स्टार्ट शाइनिंग. अब ये देखिए बालों के अंदर क्या है, आपको लाइट टोन दिख रहा होगा, मिडल टोन दिख रहा होगा, बट शेडोज आर मिसिंग. जो डेप्थ आनी चाहिए, जो सबसे डार्केस्ट कलर आना चाहिए. सो हियर दिस डार्क कलर ऑफ ब्राउन इट्स हेल्पिंग हियर टू फ्रेम द आर्ट वर्क एंड गिविंग अ क्लियर बॉडी शेप्स. Now that all the three characters are done, usually what I do is I always leave black outlines. तो वो एक sticker type जो feel आता है वो मेरा favorite है. But since अब इसके अंदर क्या था कि head अलग है, body अलग है, उसको link करना पड़ेगा, so I didn't know where exactly white मुझे छोड़ना चाहिए. So उसके लिए मुझे अब सारे के सारे ही artworks को बिल्कुल edge से cut करना पड़ेगा. That is also all right. इससे करने का एक फ़ायदा ये है कि आपके आर्टवर्क में कहीं पर भी जहाँ थोड़ा बहुत आउटलाइन बाहर निकल गई है, बिगड़ गई है, वो आपके ये कटर से आउटलाइन से वो क्लीन हो जाता है. सो यू कैन डिसाइड विच ऑल हाउ इनसाइड यू वॉन्ट टू कट द आर्टवर्क. उसे क्या आपका फैला हुआ आर्टवर्क जो भी होगा वो क्लीन आ जाए, जस्ट लाइक अ स्टिकर की तरह. ये भी निकल ही आया, स्टिकर्स ही हैं देखा जाए तो, क्योंकि इंडिविजुअल आउटलाइंस हैं. ये वाला था जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसका सिर्फ मैंने हेड सेपरेटली किया है एंड बॉडी दूसरे शीट के ऊपर है. सिंस इट्स एन आइवरी शीट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कट. और ये जो छोटे वाले कटर्स हैं इसमें एक इसमें यूनिक यूएसपी इसका क्या है कि इसको आप इसमें लाइंस रहती हैं तो आप काट सकते हो. अब इससे क्या है, काटते हुए पता चल जाता है कि आपको कितना काटना है. इस एरिया के ऊपर मैं इसको फेविकॉल से चिपका दूंगी, इंस्टेड ऑफ सिर्फ नीचे से मैं चिपकाती तो वो हमेशा वीक ही रहता आर्ट वर्क. तो फेविकॉल से इसका ऊपर से बॉडी को अटैच कर देंगे, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट सेट. ऑब्जेक्ट आपका बॉडी फिगर को भी बेस मिल जाता है. सो टू कैरेक्टर्स आर, दिस इज द लास्ट वन, क्यूट कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन सीरीज. अब कटर आपका ब्लंट हो जाए, इसका पहचानने का तरीका यही है कि आपका हाथ ना थोड़ा हार्ड चलता है, तो ये ऊपर के ब्लेड्स को पीछे से निकाल के इसका कटर होता है वो काट के देन इट स्टार्ट्स कटिंग लिटिल लाइटर देन. नहीं तो शीट एक तो बहुत ही मोटी सी शीट है, काटने में टाइम लगता है. सो हियर यू सी ऑल दी थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द चिल्ड्रन डन. आई प्लेस देम ऑन वाइट शीट. दिस इज द आर्ट वर्क आई विल बी मेकिंग एंड आई विल शेयर इट शॉर्टली विद यू. इट्स अ पेंटिंग फॉर माई सीनियर्स, बैकग्राउंड जिस पे मैंने रखा हुआ है बच्चों को. बट All the characters are looking quite lively and happy. And iske saath mein abhi artwork, matlab how are we going to place it on the board, that I will share with you. But yes, the three main characters of Happy Children for Happy Children's Day. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.